हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, और जिसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर जिसका नाम है RSI। ठीक है, तो पहले हम RSI के बारे में जानेंगे कि RSI किस तरीके से काम करता है, लोग कौन कौन से तरीके से देखते हैं कि RSI कैसे काम करता है, और हम कैसे उसको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और मैं ये आपको स्विंग ट्रेडिंग बता रहा हूँ, तो मतलब इसमें टारगेट आपको लंबा होगा। कई जगह मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कहीं स्टॉप लॉस भी, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा होगा। ठीक है, बट ज़्यादातर मुझे इसमें प्रॉफिट मुझे काफ़ी अच्छा मिलेगा। ठीक है, लोग कहते हैं कि इंडिकेटर बहुत जगह लैगिंग होता है। ऑफकोर्स बहुत जगह आप देखोगे लैगिंग होता है, लेकिन इंडिकेटर्स बनाने का भी एक पर्पज़ है कि वो आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि यहाँ से मैं एक अच्छा ट्रेड बना सकता हूँ। तो इंडिकेटर को हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिकेटर बहुत ही वैल्यूबल सब्जेक्ट है ट्रेडिंग में। तो हम देखेंगे कि आज RSI को मैं किस तरीके से यूज़ करूँगा और मैं एक अच्छा उसमें स्विंग ट्रेडिंग बना सकता हूँ। ठीक है, टाइम फ्रेम, फिर मैं स्टॉक, सब चीज़ आपको बताऊँगा। बारी बारी आप देखिए, आप इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि RSI एक्चुअली काम कैसे करता है। ठीक है, सो मैं टॉपिक दे देता हूँ, RSI इंडिकेटर। ठीक है, और आगे दे देता हूँ स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, तो जो बिगिनर्स है मैं उनसे कहूँगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए पहले जाइए। ठीक है, डेरिवेटिव्स में डायरेक्टली जंप मत करिए। ठीक है, स्टॉक में जाना चाहते हो स्टॉक से पहले शुरू कीजिए, छोटा छोटा क्वांटिटी शुरू कीजिए, आपको अच्छा प्रॉफिट उसमें मिल सकता है। ऑलराइट, एंड जो ऑलरेडी इंटरमीडिएट हैं, एडवांस लेवल पे हैं, वो तो फिर डेरिवेटिव में जा सकते हैं आराम से। तो चलिए पहले RSI इंडिकेटर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो RSI इंडिकेटर आप देखोगे ऑसिलेशन बेस्ड होता है, जो आपको चार्ट के नीचे मिलता है। एक वेव थ्योरी के हिसाब से चलता है, वो वेव के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो उसमें आपको एक अपर बैंड मिलेगा और एक लोअर बैंड मिलेगा। ठीक है, ये आपका हो गया अपर बैंड। ठीक है, ये आपका हो गया लोअर बैंड। ठीक है, स्केल यूजुअली 0 से 100 के बीच में होता है, लेकिन ये अपर बैंड जो है ये बाय डिफॉल्ट 70 का लेवल होता है और ये 30 का लेवल होता है। ठीक है, लोग सेटिंग अनुसार चेंज भी कर लेते, कोई 80 भी रख लेता है, उनको लगता है कि नहीं 80 तक जाएगा तो मुझे मिलेगा, 75 तक जाएगा, और कोई छोटा भी रखता है 60 भी रखता है। बट मैं बाय डिफॉल्ट यूज़ करूँगा, बिकॉज जिन्होंने भी इंडिकेटर बनाया उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाया, इसके पीछे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं जो उन्होंने बारीकी से जांच के बनाया है। तो जो एज इट इज़ है मैं उसको फॉलो करूँगा, क्योंकि मेरे लिए उसने एक अच्छा रिजल्ट दिया है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट उसको फॉलो करूँगा। बीच में एक लाइन जाती है डॉट डॉट, ठीक है, मैं उसको डॉट डॉट बना देता हूँ। बीच में एक लाइन है ऐसे, डॉट डॉट होगी। ठीक है, सॉरी बीच में अगर ये लाइन है तो ये आपका 50 का लेवल होता है। ठीक है, तो इसमें स्टॉक अगर मान लीजिए जहाँ से भी मूव करके अगर इसके ऊपर चला जाता है, ये 70 क्रॉस कर लेता है, तो इसको बोला जाता है ओवरबॉट जोन। ठीक है, मतलब जनरली कंसिडर किया जाता है कि इसके ऊपर गया तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये ओवरबॉट जोन में चला गया है। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये सकते बाइंग हो चुकी, ओवर वैल्यूड हो चुका है, हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो लोगों का मानना ये होता है कि इसमें जा चुका है, अभी इसके बाद इसमें सेलिंग आएगी। ठीक है, और कई बार हमें वो सेलिंग दिखता भी है। ठीक है, उनको अभी सेलिंग आएगी तो वो अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा, वही सेम स्टॉक अगर यहाँ से जाके नीचे जाता है तो ये वाला जो जोन है ये आपका हो जाता है ओवरसोल्ड। ठीक है, ओवरसोल्ड मतलब सिंपल है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है, अभी यहाँ से कर्व थोड़ा सा ऊपर उठता है तो मुझे बाइंग नज़र आएगी, ये एक जनरल कंसेप्ट होता है। ठीक है, लेकिन कई बार आप ये देखिए कि यहाँ पे जैसे ही ओवरबॉट जोन में गया, ऊपर की ओर गया, मतलब ये इसकी ओवर वैल्यू हो चुकी है। कई बार इस ट्रेंड को वो कंटिन्यू करता है काफ़ी ऊपर तक, तो इसलिए जब भी ओवरबॉट जोन में जाता है, वहाँ से जब आप सेलिंग का ट्रेड बनाते हो तो मेक श्योर कि आपका वहाँ पर SL बहुत छोटा होना चाहिए, और आपको ये भी श्योर करना पड़ता है वहाँ पे कि जो आप ट्रेंड ले रहे हो
वो वहाँ तक मतलब नीचे तक अगर आएगा तो मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल सके। तो यही जो लेवल होता है, अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से मैं बात करूँ तो ये जो ओवरबॉट जोन है जहाँ से ये ऊपर गया, ठीक है, तो ये ऊपर वहाँ से जाता है तो वहाँ से रिटर्न आने का संभावना तभी होता है जब वहाँ पर कोई अच्छा रेजिस्टेंस हो। तो यहाँ पर आपको वो रेजिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मार्क करने के दो ही तरीके हैं, ठीक है। एक तो जो मैं चार्ट में जब ओपन करता तो वहाँ पर जहाँ पर एक पर्टिकुलर लेवल पर ज़्यादा टाइम बिताया तो आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। दूसरा अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं ओपन इंटरेस्ट को यूज़ करूँगा, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट में आपको ये बताते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं, कहाँ पर ज़्यादा पुट राइटर्स हैं, जो कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो वो डेटा के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छा काम करता है, बिकॉज वहाँ पर जो कॉल राइटर्स होते हैं उनका व्यू ये होता है कि मार्केट इस लेवल से ऊपर जाने की संभावना कम है, और जो पुट राइटर्स होते हैं उनका मानना ये है कि मार्केट या पर्टिकुलर स्टॉक इस लेवल से नीचे जाने की संभावना कम है, ठीक है। तो वो डेटा के आधार पे अगर वहाँ पे मुझे प्राइस एक्शन मिलता है, मतलब वहाँ पे मुझे दिखता है कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करा तो मतलब वो एक मुझे अच्छा लेवल है, तो दोनों को कंबाइन करके आप वो लेवल बना सकते हो, रेजिस्टेंस सपोर्ट बना सकते हो, जिसके तहत मुझे वहाँ पर ट्रेड मिलना चाहिए, ठीक है। तो RSI मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको कि RSI यहाँ से ओवरबॉट जोन में चला गया, ठीक है। तो वो देखेंगे कि ओवर वैल्यू हो चुका है, वहाँ से नीचे आ सकता है, हम यही कंसेप्ट के आधार पर ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। और जब वो ऊपर चला जाता है इसको क्रॉस क्रॉस ओवर करके, तो वहाँ पे किस तरीके से रेजिस्टेंस को मैं मार्क करके मैं ट्रेड बनाऊंगा, मैं वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से ये नीचे चला जाता है, ठीक है, तो ये ओवरसोल्ड में गया तो यहाँ से मेरी बाइंग बनती है जैसे यहाँ पर टर्न होता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको क्या देखना है कि ये जैसे ओवरसोल्ड में गया नीचे की ओर गया, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, अगर यहाँ से गया तो ये कई बार ये रैली को नीचे की ओर कैरी फॉरवर्ड करता है, तो उसमें जाहिर सी बात है अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपका SL हिट होगा, ठीक है। वहाँ से रिटर्न आने की संभावना कब होती है, जब वहाँ पर अगेन नीचे जाता है, ठीक है। तो कई बार आप देखोगे नीचे, यहाँ से नीचे गया इसी लेवल को ब्रेक करके, तो देखोगे कि जो RSI है ना वो यहाँ पर ऊपर आ चुका है लेकिन जो प्राइस है वो नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ से भले ये ऊपर आ चुका है और नीचे जा रहा है तो आपको उसमें ट्रेड नहीं लेना है। आप ये मत सोचिए, ठीक है, आप ये मत सोचिए कि वो नीचे, ये नीचे जा रहा प्राइस भले नीचे जा रहा बाउंस करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आपको दिखा देते हैं, ठीक है, ज़रा मार्क कर देता हूँ वापस से, ठीक है, थोड़ा ब्रीफली जानेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और RSI को भी बहुत अच्छे ढंग से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 70 का लेवल पकड़ लीजिए और 30 का लेवल ये पकड़ लीजिए, ठीक है। तो मैं नीचे की बात कर रहा था, मतलब स्टॉक नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे ये यहाँ पर इसने ओवरसोल्ड में गया, ठीक है। स्टॉक भी आप मान लीजिए ऐसे ऐसे करके नीचे यहाँ पर आया, ठीक है। अभी हमने क्या किया, मैंने यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, ठीक है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, चाहे मैंने हैमर देखा है, मॉर्निंग स्टार देखा, ठीक है, या एंगल्फिंग देखा, और मैंने सोचा कि मैं ऐसा ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ये यहाँ से ऊपर तो आता है लेकिन प्राइस है यहाँ से नीचे चला जाता है, तो ये मेरा SL हिट हो जाता है, ठीक है। ऐसा होगा, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं होगा, ऐसा होगा, मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी आ सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका SL हिट हो गया, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, RSI के बेस पे ट्रेड बनाते जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो यहाँ पर ऊपर जा रहा है, ये ओवरसोल्ड से निकल के ऊपर गया तो मार्केट साइज से ऊपर जाएगा, लेकिन आप ये देखोगे कि प्राइस नीचे 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 जा रहा है। हर बार ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे ओवरसोल्ड में चला गया और ऊपर गया तो मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके रिवर्स करता है, ऐसा होगा, मौका आपको मिलेगा, तो इसलिए इस चीज़ से आपको बचना है। तो इसी से बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बचने के लिए ये देखता हूँ कि अगर ये जो कैंडल है इसके ऊपर जब बनता है तो यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करे, मैं वो चीज़ का वेट करता हूँ। और कैंडलस्टिक पैटर्न तो मैं 100% देखता हूँ, बिकॉज जैसे ही वहाँ पर ओवरसोल्ड में गया या ओवरबॉट में गया मैं ट्रेड ले लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। कई बार वो जो कैंडल है बहुत बड़ा बड़ा कैंडल बनता है, बहुत बड़ा बड़ा कैंडल बनता है, तो इसमें बनते ही मैं ट्रेड ले लूँगा तो मेरा SL बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इस चीज़ को भी अवॉइड करता हूँ। तो बहुत बड़ा कैंडल है, SL बड़ा होगा तो मैं अवॉइड करता हूँ, मैं क्या करता हूँ छोटे कैंडल का वेट करता हूँ जहाँ पर मैं एक छोटा SL ले सकूँ, ठीक है, क्योंकि बड़ा कैंडल है, बड़ा स्टॉप लॉस है तो आपको टारगेट भी उसके हिसाब से लेना पड़ता है, ठीक है। तो
आरआर आपका बढ़ जाता है और हो भी सकता है कि वो आरआर आपको ना मिले, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। अभी चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि आरएसआई को ही लेकर मैं किस हिसाब से मैं ट्रेड बना सकता हूँ। तो एनालाइज में जाके मैंने चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड मैंने लगा लिया, ठीक है। यहाँ पे ओके डे का चार्ट है, इसको स्टॉक में लगा लेते हैं। तो मेरा कोई फेवरेट स्टॉक है, जैसे मैं रिलायंस को ज़्यादा कंसिडर करता हूँ तो रिलायंस में ले लेता हूँ, ठीक है। रिलायंस मैंने ले लिया ओके, और मैं डेली का चार्ट लगाऊंगा, ठीक है। डेली के चार्ट के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। आरएसआई यहाँ पर इंडिकेटर में जाके हम आरएसआई सर्च करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, हमने यहाँ पर लगा लिया ओके। तो ओके हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यहाँ पर लगा लिया। ऑर्डर बुक का जो है इसको इंडिकेटर में हटा देता हूँ, ठीक है, हम सिर्फ आरएसआई देखेंगे, ठीक है। तो आरएसआई आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ओके। तो ये आपको क्लियर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, आरएसआई ओके। तो यहाँ पर देखिए जो मैं आपसे कह रहा था कि ये ओवरबॉट में यहाँ पर गया है, ठीक है। अभी आपको कंसेप्ट पहले बता देता हूँ कि ओवरसोल्ड या ओवरबॉट में जाने के बाद हम ट्रेड कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डेली चार्ट लगाया, मैं वन आर के चार्ट के हिसाब से भी जाता हूँ, मुझे ज़्यादा फेवरेबल वन आर का चार्ट भी लगता है, तो वन आर के चार्ट के हिसाब से जाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि उसमें मेरा सेटअप कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये रहा मेरा चार्ट, ठीक है। तो चार्ट में ट्रेड हम बनाते हैं, तो सबसे पहले, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं और यहाँ पर मेरा ट्रेड बनेगा ओके। तो चलिए मार्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्टॉक है यहाँ पर, ये जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो, ये आपका ओवरसोल्ड में गया है, ठीक है। ओवरसोल्ड में जो गया है वो कैंडल ये रही, ठीक है, छोटी कैंडल है। तो अगर मैं इसका प्राइस रेंज देखूं तो 3250 और 3225 के बीच में है। तो 3250 का हाई है और 3250 का लो है, तो 3225 का लो है, ठीक है। 3225 से थोड़ा नीचे ले लो, मैं ये कहूँगा कि 3220 पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये ट्रेड यहाँ पर क्यों लूँगा, अभी ये मत देखे कि ये ओके ये पिछला डेटा है तो हम इजीली बता सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड मैं क्यों लूँगा। पहली बात, कैंडल मेरी बहुत छोटी है, ठीक है, कैंडल मेरी बहुत छोटी है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने टाइम भी बिताया, पूरा जो टाइम है इसने, आगे आप देख सकते हो पूरा, ये मैंने वन आर का चार्ट लिया है तो वन आर के हिसाब से देखो कि मेरा काफ़ी यहाँ पर टाइम इसने बिताया है। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता हूँ तो आप देखिए बार बार इसी लेवल से यहाँ पर आगे रिजेक्ट होके बन रहा है। यहाँ पर देखिए हैमर पैटर्न भी आपको बन रहा है और साथ साथ में पियर्सिंग पैटर्न भी बन रहा है, पियर्सिंग पैटर्न इधर भी बना है, इधर भी बना है। तो मैं किसी भी जगह पर मैं ट्रेड इसमें ले सकता हूँ क्योंकि ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ऊपर बना रहा है। अभी इसमें अगर आप डेटा भी वहाँ पर चेक करोगे तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बना है, उसको ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर मैं इसको ट्रेड ले सकता हूँ। एक ये ओवरसोल्ड में चला गया, ओवरबॉट जोन में गया और वहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो 3225 से ये गिर के आप देख सकते हो पूरा गैप डाउन यहाँ पर हुआ है, सीधा आया 3075, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लीन करता हूँ और आगे देखता हूँ कि लो कितना नीचे लो किया है, तो आप देख सकते हो कि ये डायरेक्टली ओवरसोल्ड में गया, ठीक है, ओवरसोल्ड में गया। ये देख सकते हो आप ओवरसोल्ड का 23 तारीख का जो दिन है, आप देख सकते हो कि 19 जुलाई को ये आया था वो ओवरसोल्ड में और उसके नीचे ब्रेक ब्रेक करके गया। जो मैं आपसे कह रहा था कि ओवरसोल्ड में जैसे जाता है वैसे हम ट्रेड नहीं बनाएंगे। देखिए 22 जुलाई को ये नीचे भी देखिए ओवरसोल्ड में गया और उसी का लो ब्रेक करके पूरा नीचे नीचे गया और काफ़ी दिनों तक वो ओवरसोल्ड में रहा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से मैं ट्रेड बनाता तो यहाँ तक मेरा ट्रेड बनता है, 2968 तक इसने लो किया था, ठीक है, 2960 का इसने लो किया था, ठीक है। तो 3225 से आप देख सकते हो 2960, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे यहाँ पर इसने 270 मतलब 300 के आसपास उसे पॉइंट दिया है, मतलब 10% का मूव दिया है। स्टॉप लॉस आपका मेयरली वहाँ पर 50 पॉइंट का था,
ठीक है, 25 का लो था, 50 का हाई क्या था, मान लीजिए मैं 10 पॉइंट ऊपर में रखता हूँ, तो 25 के हिसाब से भी आप देखोगे तो 30 35 40 का ही स्टॉप लॉस है और उसके बदले में आपको नीचे 300 पॉइंट का मूव दिया है। तो रेशो आप देख सकते हो 1:5 नहीं, इसने 1:6:7 दिया है। तो आप देख सकते हो कि RSI को यूज़ करके मैंने एक सेटअप यहाँ पर बनाया और जिसके तहत मुझे यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड इसमें मिला है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर मुझे ट्रेड बनाना है, ठीक है, तो मुझे देखिए जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसने ऑलरेडी इंडिकेशन देना शुरू कर दिया था। ये देखिए जैसे ये ओवरसोल्ड में गया, यहाँ पर देखिए हैमर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगेन यहाँ पर हैमर बना हुआ है। ठीक है, वहाँ पर देखिए ग्रीन वाला हैमर बना है या रेड हैमर बना है। ठीक है, ग्रीन वाला हैमर बना है। फिर हम ये कहेंगे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कहीं पर ट्रेड बनाता हूँ, देखिए ये बहुत बड़ा कैंडल है, मुझे छोटा छोटा कैंडल चाहिए जिसके विक को रिजेक्ट किया हो। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कैंडल जो बना है, यहाँ पर देखिए इसका विक ने सेम इसी विक को फॉलो किया है, मैंने प्राइस एक्शन को फॉलो करके मैं ट्रेड बनाता हूँ। हाई यहाँ पर है देखिए 3017, लो है 2985, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 30-32 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 32 पॉइंट का। तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं ट्रेड बनाता हूँ, ठीक है, 32 पॉइंट यहाँ से, तो 3017 से इसने हाई कितना किया है 3080। ठीक है, तो 3080 तो ऑलमोस्ट आप देखोगे शॉर्ट पॉइंट है, 1:2 का रेशियो इसमें मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो 1:2 के हिसाब से मैं ले सकता हूँ, बट यहाँ पर मुझे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिला होगा क्योंकि यहाँ से जैसे यहाँ पर ऊपर गया, तो मान लीजिए कि मैं ट्रेलिंग स्टॉप में ट्रेलिंग करता हूँ ऑलवेज, जैसे मेरा 1:1 के ऊपर चला जाता मैं ट्रेल करना शुरू करता हूँ। ठीक है, ये मेरा रूल है, ये रूल को आप भी फॉलो करेंगे तो इसमें सक्सेसफुल रह सकते हैं। ठीक है, 1:1 जैसे चला गया उसके ऊपर मैंने उसको ट्रेल किया, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ला के मैंने रख दिया। ठीक है, आगे आप देख सकते हो अगेन यहाँ पर गैप डाउन करके उसने मेरा स्टॉप लॉस इसने हिट किया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है तो मेरा स्टॉप लॉस गया 32 पॉइंट का, मान लीजिए अगर मैंने ट्रेल नहीं किया है, ठीक है, तो 32 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हुआ है। तो आगे मैं देखता हूँ कि आगे मेरा कहीं पर ट्रेड बना है, तो यहाँ पर देखिए मेरा ट्रेड बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगेन यहाँ पर आया है। ठीक है, ये देखिए पैटर्न देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका हैमर बना हुआ है। अभी क्या मैं इसी हैमर पर मैं ले सकता हूँ, मैं वेट करूँगा। नेक्स्ट हैमर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बना हुआ है, अभी भी ये ओवरसोल्ड जोन में मैं वेट करूँगा। अभी ये निकल के ऊपर चला गया, ठीक है, 2962 मेरा ट्रेड कहाँ बनना चाहिए था, 2912, ऑलरेडी 50 पॉइंट ऊपर है। तो क्या 50 पॉइंट ऊपर मुझे ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मैं वेट करूँगा, जो मेरा प्राइस है मैं प्राइस पे वेट करूँगा। वो प्राइस पे देखिए यहाँ पर आया है ये वाले लेवल पे। कभी कभी आपको ये रहेगा कि प्राइस यहीं से ऊपर करके चला जाएगा, तो अगर आप उसमें ट्रेड लेना चाहते हो तो जितना क्वांटिटी आप लगाना चाह रहे थे उसका आधा लगाइए। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो फ्यूचर को हेज करिए, क्योंकि ऑलरेडी 50 पॉइंट ऊपर है। अभी यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ यहाँ से 2912 से नीचे 2986, तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 28-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगेन है, और ऊपर 50 पॉइंट ऊपर या 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब 160 पॉइंट का मूव जाएगा तब जाके आपको 1:2 मिलेगा। तो 160 पॉइंट का अगर 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो डेफिनेटली मुझे वहाँ पर रिस्क मेरा बड़ा है, तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी तो लूँगा नहीं, तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी कम रखूँगा अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया, वापस मेरे बाइंग पे आया, तो मैं यहाँ पर एवरेज करूँगा, तो मेरा एवरेज अप्रॉक्सीमेट 2940 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब अगर 2940 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस है तो आप देखिए 2940 से यहाँ से मूव करके, ठीक है, और 2940 से अगर मैं 85 तक मैं नीचे जाता हूँ तो अभी भी आप देखोगे कि 50-55 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, रिक्स इज़ बिग, तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। अगर मुझे 1:2 में मिल जाता है तो मैं वहाँ पर ट्रेड एग्जिट कर सकता हूँ, तो जो यहाँ पर मुझे मिल गया है, ठीक है, 3013 तक वहाँ पर गया है। ठीक है, तो 3013 तक वहाँ पर गया है, तो ठीक है, 2940 से बढ़ के 3013 तक गया, नहीं 3040 तक गया। ठीक है, वहाँ पर 100 पॉइंट के आसपास मुझे दिख रहा है और यहाँ पर मेरा मूव यहाँ पर मुझे मिला हुआ। ठीक है, तो दो जगह यहाँ पर मेरा एग्जिट, यहाँ पर एग्जिट अगर बन गया है, ठीक है, आप देख सकते हो कि पूरा ऊपर करके गया है, 3060 तक गया है। तो ठीक है, मुझे इसने 1:2 का रेशियो यहाँ पर उसने दे दिया है। तो ये ट्रेड मेरे लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा कि स्ट्रेसफुल था, क्योंकि कई यहाँ पर देखे काफ़ी दिन इसने बिताया,
मेरा ट्रेड जो बना है वो 5 तारीख को बना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जस्ट मिनट, तो मेरा ट्रेड यहाँ पर बना है, ठीक है, 6 तारीख को बना है, उसको एवरेज हमने किया उसी दिन, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ से यह यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, 6 अगस्त को बन रहा है, और मुझे टारगेट देखिए कब मिल रहा है, मुझे 26 तारीख को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप देखो 20 दिन मुझे वेट करना पड़ रहा है, काफ़ी लंबा, तो स्ट्रेसफुल रहा है मेरे लिए। तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, 1:2 का मुझे रेशो मिला है एक जगह। अभी आप देख सकते हो कि मुझे 3 जगह मेरा ट्रेड मिला है, एक जगह मुझे 1:6 का मिला है रेशो, या 1:2 का मिला है, ठीक है, और एक जगह मेरा SL हिट हुआ है 32 पॉइंट्स का, ठीक है। सो यहाँ पे अभी मेरा अगर यहाँ पर कोई ट्रेड बनता है, ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ ट्रेड क्यों नहीं बनाया, यहाँ पर ट्रेड इसलिए नहीं बनाया, देखिए ये बड़ा कैंडल मार के वहाँ पर ऊपर गया, ठीक है, ओवरबॉट जोन में गया है, लेकिन क्या मुझे यहाँ पर कोई पैटर्न बता रहा है कि तुम ले लो? यहाँ पर देखिए कोई भी मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बता रहा है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न है मुझे नहीं बता रहा, तो मैं यहाँ पर मेरा ट्रेड इसमें बनता ही नहीं है, ठीक है, मेरा ट्रेड इसमें बिल्कुल नहीं बनता है। तो यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे नहीं बता रही है, वो देखिए उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, ठीक है। मैं कुछ रूल्स को फॉलो करता हूँ, अगर मुझे मेरे सेटअप के मुताबिक मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा तो मैं जाने देता हूँ, भले ही वो मूव अच्छा दिया हो, इट्स ओके, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मूव आपके स्ट्रेटेजी के मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें आया तो मिले ही लूँगा, पता चला लॉस हो गया, फिर कल जाके रिग्रेट होगा कि मुझे नहीं लेना चाहिए था, तो इससे अच्छा है कि यहाँ पर ना लीजिए ताकि लॉस से बचे रहिए। अब यहाँ पर ऊपर ऊपर तक गया, ठीक है, कहीं पर भी मुझे कोई पैटर्न नहीं दिखा। अभी यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है, कौन सा पैटर्न, यहाँ पर देखिए पूरा इसको पियर्स कर रहा है और आगे जाके हैमर भी इसमें बना रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हो जो मैं आपको 3 ब्लैक क्रो 3 व्हाइट क्रो बता रहा था, उसके हिसाब से भी कैंडल वहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। तो क्या मेरा यहाँ पर ट्रेड बनता है? ऑफकोर्स यहाँ पर मेरा ट्रेड बनता है, ठीक है, ट्रेड बनता है। और यहाँ पर देखिए मेरा SL हिट हुआ है, ठीक है, SL हिट कराने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, वो SL है हमारा, छोटा SL होता है। तो यहाँ पर आप देखिए RSI में जब भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करेंगे तो छोटा SL ही होता है, अगर आप बड़े बड़े कैंडल के हिसाब से जाएंगे तो आपका SL बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो 3046 है और हाई कितना है 3066, ठीक है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। यहाँ पर मैं आपको एक जगह 300 पॉइंट मैंने आपको बताया, एक जगह मैंने आपको 120 पॉइंट बताया, यहाँ मैंने 20 पॉइंट बताया, ठीक है। तो ये मेरा एक जगह SL हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे मेरा अगर एक ट्रेड बनता है, ठीक है, अगेन देखिए ये ओवर बॉट जोन में गया है, ठीक है, कैंडल बहुत लंबी है, तो अगर मेरा यहाँ पे ट्रेड बनता है तो देख सकते हो ये पूरे तरीके से एंगल्फिंग कैंडल है, देख सकते हो एंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। तो एंगल्फिंग कैंडल है तो मैं अगर वहाँ पे ट्रेड बनाऊँगा अगेन मैं वहाँ पर क्वांटिटी कम लूँगा, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी है, मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो क्वांटिटी मैं कम लूँगा। और अगर मुझे क्वांटिटी अच्छी खासी लेनी है तो मैं वेट करूँगा कि इसके बाद मुझे कोई अच्छी कैंडल मिले जहाँ पर मैं एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के कर सकता हूँ। तो देखिए ये एंगल्फिंग वापस मुझे मिली है 3038 पे मिली है, ठीक है, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो है 3064, ठीक है, 3064 के साथ, तो 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, फेयर इनफ। तो मैं यहाँ पर अगर ट्रेड बनाता हूँ 26 के स्टॉप लॉस के हिसाब से, और देख सकते हो कि उसने ये ट्रेड था 3 सितंबर का, और मुझे प्रॉफिट मुझे मिला 6 सितंबर को, देख सकते हो किस तरीके से पूरे तरीके से ये यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में चला गया, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैंने ट्रेड लिया 3038 के पास, और इसने यहीं पर पहली कैंडल के लो इसने बनाया था 3032, तो 100 पॉइंट का मेरा वहाँ पर दिया है, ऑलमोस्ट 1:4 का रेशो है, ऑलमोस्ट 1:4। तो देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट करके मैंने आपको ट्रेड बताया, और किस तरीके से मैं कुछ पैटर्न्स को फॉलो करके मैंने इसमें ट्रेड सेटअप किया, ठीक है। तो ये था हमारा RSI को लेकर एक ट्रेड सेटअप, ठीक है। आपने देखा कि किस तरीके से मैंने स्विंग ट्रेडिंग आपको बताया, आप इस चीज़ को फॉलो करके अपना ट्रेडिंग जर्नी और भी अच्छा कर सकते हो। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।